सबसे अच्छा फीचर इस गाड़ी का दिखाता हूँ, जो कि है इसका ये मिरर। अगर आप इस बटन को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल रियर व्यू मिरर बन जाता है, लेकिन जब आप इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो ये बैकअप कैमरा भी है। मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से बटन दबाऊंगा तो ये पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। चार बटन यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर मैं इसके मेन्यू में जाता हूँ यहाँ पर एक और बटन है, ये टच स्क्रीन नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ जी निसान किक्स के अंदर, ई पावर वेरियंट जो है, और ये किक वो वाली किक है, ये वाली जो हमें मिलती है, वो जो एक मूवी आई थी ना किक, मुझे किक ना मिले तो वो वाला काम नहीं होता, तो ये वो उस नाम से ये गाड़ी है। अच्छा, 2014 में वैसे कॉन्सेप्ट कार लॉन्च की गई थी, पर 2016 में इस गाड़ी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और सबसे पहले ये चाइनीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2017 में, और उसके बाद ये गई अमेरिकन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट के बाद ये आई है इंडोनेशिया, मलेशिया, जैपनीज़ मार्केट एंड देन इंडियन मार्केट। और ये गाड़ी जो है सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर ही है, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आजकल क्रॉसओवर्स की बारिश हो रही है, जैसे कि किया, हुंडई, एमजी, प्रोटोन, हैवल, इस तरह करके बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, डीएफएस के भी है, तो ये गाड़ी उनके साथ ही कम्पीट करती है। साइज़ वाइज ये गाड़ी ऑलमोस्ट उनके बराबर है, लेंथ में मुझे थोड़ा सा ये गाड़ी जो है छोटी लगी है। और ये 2020 मॉडल है, 21 की फ्रेश इम्पोर्ट है, और ये गाड़ी सेल के लिए भी लिस्टेड है, और गाड़ी की जो डिमांड है वो 53 लाख रुपए है, और आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी चल रहा है, आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उनसे कांटेक्ट करके गाड़ी के बारे में मालूम ले सकते हैं। इटसेल्फ गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है, बाहर से भी अंदर से भी, और बड़ी स्पोर्टी लुकिंग है, क्योंकि निसान की गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई हैं, और पाकिस्तान में वैसे भी निसान की गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड समझा जाता है, रीज़न पता नहीं क्या है, बहरहाल पूरी दुनिया में इनकी गाड़ियाँ इतनी कामयाब हैं, पाकिस्तान में यहाँ पर जैपनीज़ जो गाड़ियाँ उनको भी काफ़ी बेहतर समझा जाता है, जैसे कि निसान नोट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, ताकि आप किसी भी किस्म का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना कर सकें, तो सब्सक्राइब करें। ओके जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी का सबसे एक अच्छा फीचर बताता हूँ, ये जो मिरर है ये एज ए कैमरा पूरी मेन्यू के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर मैं इस बटन को स्विच करता हूँ ना ऐसे, तो ये एक सिंपल रियर व्यू मिरर बन जाता है। अगर आपको मैं इस तरह कर देता हूँ तो ये इसमें आ रहा है मेन्यू कैमरा। जब मैं ये बटन इसके नीचे चार लगे इनको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, और ये इंडिकेटर दिए हुए हैं यहाँ से, ये दोबारा ये देखें मैंने दबाया तो ये कैमरा चल के गाड़ी में पार्किंग सेंसर मौजूद है, जो कोई भी बंदा अगर गाड़ी के पास से गुजरता है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है गाड़ी बीप करती है, और 360 डिग्री कैमरा भी गाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा इसके मेन्यू में वापस जाऊं इसके कैमरा की पोजीशन को सेट करके, तो ये आपको डिफरेंट एंगल जो है वो कैमरा के दे रहा है। इसके अलावा कैमरे की हाइट जो है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इसके अलावा गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बड़ा खूबसूरत है, ये एक्स पैकेज है, तो इसका जो इंटीरियर है ये सिंगल कलर में है, यहाँ पे मतलब लेदर लगा हुआ है, ये ब्लैक कलर में है, तो उसमें टू टोन कलर आता है, ये दो वेरियंट आते हैं इसमें। और स्टीयरिंग व्हील बहुत खूबसूरत है इसका, डी शेप जो स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील होता है, और जो बनावट है बड़ी खूबसूरत है, सिल्वर मटेरियल है। इसके अलावा इस तरफ आपको क्रूज़ मिल जाता है, यहाँ पे आपको सारे का सारा जो है वो मेन्यू इसका मिल जाता है। अगर आपने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फ्यूल एवरेज भी मुझे दे रहा है क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम है, बैटरी चार्ज का ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा डिफरेंट मेन्यूज़ आपको दे रहा है, किलोमीटर पर लीटर आपने कितनी एवरेज ली है। इसके अलावा अभी लैंग्वेज तो जैपनीज़ ही दे रहा है, इतनी ज़्यादा कुछ समझ नहीं इसकी आ रही, बट ये काफ़ी बड़ा एक मेन्यू आपको दे रहा है, और इसमें डिफरेंट मूड हैं। वैसे ये वाला सबसे ज़्यादा सिंपल समझा जाता है कि इको मोड पे चल रही है गाड़ी की, पावर कितनी है, रिजर्व कितनी है, यह सबसे अच्छा लग रहा है। और जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है, डायल जो है वो दूसरी तरफ गाड़ी के मौजूद है, और इसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट मौजूद है लीवर मैनुअल के साथ ही, यहाँ से आगे पीछे और ये नीचे और ये ऊपर, क्योंकि सीट मैंने थोड़ी सी ऊपर की हुई है बेहतर ज़रा विजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा गाड़ी के राइट साइड पे दरवाज़ा मैं खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल और हीटेड स्टीयरिंग व्हील। हीटेड स्टीयरिंग व्हील जो है ये आपको बड़ा फ़ायदा देता है, सर्दियों में आप फूफू करेंगे हाथों के साथ, तो वो आपको जो है, मैंने भी इसका बटन भी चला दिया ताकि मुझे भी पता लगे कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो गर्म हो रहा है कि नहीं। इसके ऊपर लेदर रैप हुआ है, फॉरवर्ड क्लियर वार्निंग लाइट की एडजस्टमेंट मौजूद है। यहाँ पे दरवाजे के वन विंडो ऑटो और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें मिरर कंट्रोल इधर मौजूद हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन जो है ये काफ़ी बड़ी इस गाड़ी के अंदर दी गई है, जिसका मुझे कोई इतना समझ आ नहीं रहा। अगर लग जाए, वैसे मैंने बटन प्रेस किया तो कैमरा चल गया, इसका रिजल्ट कोई इतना अच्छा नहीं। इसकी बनिस्बत जो ऊपर साइड मिरर है ना, उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, ये मुझे इतना को खास लगा नहीं है। और ये जो है ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, आपको समझ तो इतनी नहीं आएगी है जैसे मेन्यू बने, और ये चलाने में भी काफ़ी स्लो है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जैपनीज़ गाड़ियों में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, स्क्रीन पता नहीं इतनी क्यों फ़र्क सी दे देते हैं। बहरहाल
इसके नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी की मौजूद है, काफ़ी अच्छा आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है यूएसबी सॉकेट और एक पावर आउटलेट के साथ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप है ना, बड़ी अमेजिंग मतलब जगह पे, यहाँ पे गियर और ये बना हुआ है ना, लेफ्ट में राइट पे नहीं है। उमूमन हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होगा स्टेयरिंग व्हील के, यहाँ इस तरफ होगा, लेकिन ये इधर है। और इसमें ईवी मोड है फुली, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जनरेटर के ऊपर चलती है और जनरेटर जो है वो गाड़ी की बैटरीज को चार्ज करता है। और ये इसका छोटा सा गुनू मुनू सा गियर नॉब दिया हुआ है और बैडल प्रेस करके ब्रेक को, और यहाँ से इसको पहले तो करें इस तरह, और अब इसको मैं अगर ऐसे करता हूँ तो ये आ गया ड्राइव, ठीक है। अभी मुझे वो वार्निंग दे रहा है कि बंदा कोई पास है। इसके अलावा यहाँ पर रिवर्स, और ये रिवर्स में आप देख लें कि वो पूछे कैमरे दे रहा है, बहरहाल कोई इतने रिजल्ट अच्छा नहीं है। बहरहाल गाड़ी को फिर हम लोग जो है वो पार्क में कर देते हैं, तो मैंने दोबारा इसको प्रेस करके ये कर दिया है। बहरहाल इधर आपको ऑटो होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसके अलावा जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा लेदर जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा जो मटेरियल क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे लेदर है, और यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक मौजूद है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे होंडा विजल में आता था, वही चीज़ है जैसे अभी एम जी भी सेंटर में दे रही है। बहरहाल एम जी में तो सारे लेदर होता है, ये थोड़ा सा उससे डरा डिफरेंट। इसके अलावा फ्रंट में दो साइड पर ट्विटर्स मौजूद हैं, काफ़ी बड़ा आपको सनशेड मिल जाता है, जिसमें मिरर भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है लाइट वाला। और इसके अलावा यहाँ पे भी आपको काफ़ी बटन्स मिल जाते हैं लाइट्स के साथ, और ये SOS इमरजेंसी कॉल पाकिस्तान में कोई काम नहीं करती, इधर भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। ओके, तो सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा ग्रिप वाली हैं, टू टोन का मिक्सचर है, मतलब कि इसमें जो मटेरियल है उस सेंटर में आपको फैब्रिक मटेरियल दिया गया, जबकि साइडों पे इसके लेदर लगा हुआ है, उसमें ब्लू स्टिचिंग है जो काफ़ी प्यारा है, एक छोटा सा वो एक इको फ्रेंडली सा दे रही है लुक। और वैसे गाड़ी कम्फर्टेबल है, सनरूफ वगैरह कोई नहीं है। अगर क्रॉसओवर आज पाकिस्तान की देखा जाए तो बंदा कहता नहीं यार इसमें पैनारोमिक रूफ नहीं, मैंने नहीं गाड़ी खरीदनी, बट जैपनीज़ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ आती हैं और फील बड़ी अच्छी है। गाड़ी में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा गाड़ी की जो सीट्स हैं फ्रंट दोनों, ये दोनों क्या उसको कहते हैं, हीटेड सीट्स हैं, जो कि आपको शायद जनवरी या दिसंबर एंड में काम आए, पाकिस्तान में ज़्यादा हीटेड सीट्स काम नहीं आती। स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का हीटेड है, चलो वो काम आ सकता। और बड़ी बैठने में ना बड़ी अच्छी सी एक फीलिंग दे रही है ये गाड़ी। अभी है जी निसान किक्स की, जो कि सेम निसान नोट जैसी है, और ये जैपनीज निसान की गाड़ियों में भी ऐसी ही आती है, लॉक अनलॉक बस यही आपको मिलता है। ओके, अगर गाड़ी के लुक्स की बात करूँ तो गाड़ी एक्सटीरियर वाइज बहुत खूबसूरत है, बहुत स्पोर्टी लुकिंग है, कलर गाड़ी का बहुत प्यारा है, डार्क ब्लू, ये नेवी ब्लू कलर है, बट कंपनी के कलर अपने होते हैं। और गाड़ी की ग्रिल काफ़ी बड़ी है, जिसमें पार्किंग सेंसर है, काफ़ी बड़ा निसान का लोगो है जो कि अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का साइन दे रहा है। और निसान की जितनी भी अब गाड़ियां आ रही हैं उसी शेप में आ रही हैं। गाड़ी के अंदर LED टर्न सिग्नल मौजूद हैं और LED लाइट्स हैं, गाड़ी की लाइट्स बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा नीचे LED फॉग लैंप्स भी गाड़ी में मौजूद हैं, नीचे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, लाइट्स के साथ भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा गाड़ी की अगर मैं साइड्स की तरफ आता हूँ तो गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील जो हैं वो भी इसमें इनबिल्ट ही आते हैं, मोस्टली वैसे जैपनीज़ गाड़ियों में कम ही आते हैं। और अगर मैं आपको टायर साइज़ इस गाड़ी का बताऊं तो 225/55R17 इस गाड़ी का अलॉय व्हील का साइज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की अच्छी है क्योंकि क्रॉसओवर है। इसके अलावा 360 डिग्री मैंने आपको बताया गाड़ी के अंदर कैमरा मौजूद है, लाइट्स के ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है किक्स, और LED लाइट मौजूद है, क्रोम हैंडल्स हैं, स्मार्ट एंट्री की सिस्टम जो मैंने आपको पहले बता दिया। इसके अलावा गाड़ी की जो रूफ़ है वो थोड़ी स्लोपिंग शेप में, ऊपर रूफ रेल्स छोटे छोटे बने हुए हैं, और स्पोर्टी जो लुक है उसको मज़ीद इन्हांस किया गया है। गाड़ी यहाँ से अगर आप ये देखें तो ये ब्लैक शेड में मोस्टली अब गाड़ियों में आपको ये नज़र आएगा, बड़ा कॉमन हो चुका है। इसके अलावा गाड़ी की जो पिछली लाइट्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, ई पावर लिखा हुआ है, डिफ्यूज़र बम्पर गाड़ी के अंदर मौजूद है, और पीछे भी टर्न सिग्नल LED है। मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा है LED टर्न सिग्नल नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ऊपर स्पॉइलर दिया गया है, और उसके ऊपर यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है, और बैक जो है वो ऑलमोस्ट टिंटेड है, कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, बड़ा खूबसूरत है। पिछली साइड जो है वो आगे वाली साइड से ज़्यादा अग्रेसिव लग रही हैं, एक तरफ किक्स लिखा है, एक तरफ ई पावर लिखा है बस, और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसके अलावा गाड़ी की अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी की लेंथ में ना थोड़ा इन्होंने किया हुआ है, पार्शल शेप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा 40-60 का स्प्लिट गाड़ी के अंदर मौजूद है, तीनों हेडरेस्ट हैं, ये देखें ज़रा।
ये इतना बड़ा मतलब आपको बूट स्पेस मिल जाता है कार्गो, ये बड़ी मतलब बिल्कुल सेडान के साइज़ का है, बट इसमें आपको हाइट काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर लाइट भी मौजूद है और बूट स्पेस जो है वो बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर। आप बड़े आराम से काफ़ी अपना लगेज जो है वो रख के लेके जा सकते हैं और ये काफ़ी हैवी है बंद करने में। इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग मौजूद हैं, ड्राइवर पैसेंजर नेम एयरबैग मिलता है ड्राइवर के। इसके अलावा सीट्स में मौजूद हैं, पिलर्स में मौजूद हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल है गाड़ी में। इसके अलावा पार्किंग सेंसर, 3-6 फॉरवर्ड क्लियर वार्निंग, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, किक, इसके अलावा पुश स्टार्ट इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है कीलेस सिस्टम, टोटल तो सेफ्टी वाइज तो गाड़ी जो है वो फुली लोडेड है। अच्छा जी, तो इंजन की बात करें तो सेम इंजन इस गाड़ी के अंदर आता है। इट सेल्फ इस गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है, ये ई चार्ज वाला वेरिएंट है। इसमें 1200 सीसी वैसे पेट्रोल इंजन है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, बट ये सेम है जो कि जनरेटर का काम करता है, गाड़ी की बैटरीज को पावर देता है और गाड़ी को बैटरीज जो है उनको चार्ज रखता है। तो फ्यूल एवरेज की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको इन सिटी 20 प्लस का एवरेज देगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, स्पेशली इन दिनों में जब फ्यूल की प्राइसेज जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो फ्यूल एवरेज के मामले में गाड़ी बहुत बहुत मज़े की है, तो इस लिहाज से ये गाड़ी का बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है क्योंकि फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। इस साइज़ की क्रॉसओवर 11-12 से ऊपर का एवरेज नहीं देती, तो ये एक इस गाड़ी में बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। तो ये थी जी निसान किक्स और बड़ी अच्छी गाड़ी लगी है। वैसे तो सारी गाड़ियाँ नहीं अच्छी होती हैं, अब तो जैपनीज़ भी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट नहीं आती हैं। उसकी रीज़न यही है क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं जापानी, ये अब आपको पता 3 साल से पुरानी तो अब मंगवा नहीं सकते, तो ऑलमोस्ट नई गाड़ियाँ आती हैं, तो इसलिए महंगी भी होती हैं। अब इसमें ड्यूटीज़ होती हैं, पाकिस्तान में पोर्ट पर ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, डॉलर में पे होता है, डॉलर आपको पता है दिन ब दिन ऐसे हल्का सा नीचे और फिर ऐसे करके ऊपर जाता है, उस वजह से गाड़ियों की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। गाड़ी की एक्चुअल कीमत से भी ज़्यादा पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी है इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी नहीं है, बट डोमेस्टिक गाड़ियों पे भी डिलीवरीज बहुत लेट होती हैं। गवर्नमेंट को चाहिए अगर इनको ठीक करना है तो इनको अगर रोकना है तो उनको ठीक करें। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करेगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी अपनी राय के साथ बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।